Hello viewers, Assalamualaikum Pakistan, Namaste India. This is your host Amnadir and you're watching Catalyst Records with me viewers. आज हम लेकर आए हैं एक बड़ी ही मज़ेदार सी न्यूज़ आपके लिए. डेफिनेटली आप सब ने जो है उसकी उस न्यूज़ के बारे में बहुत कुछ सुन लिया होगा, लेकिन आज हम लेकर आए हैं यहाँ पब्लिक ओपिनियन कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, क्या ओपिनियन रखते हैं. और स्पेशली टाटा की जो नई इनोवेटिव कार जो है लॉन्च की गई है, जिस जो कि 310 माइल्स जा सकती है विद अ चार्जिंग ऑफ लाइक 30 मिनट्स, तो इसके बारे में यहाँ के लोग क्या कहते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं, सब कुछ जानेंगे आज की हमारी वीडियो में. अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना मत भूलिएगा. हम यहाँ के लोगों से उनका ओपिनियन जानते हैं. हमारे जो नेबर कंट्री है इंडिया, उनकी जो टाटा इंडस्ट्री ने एक नई इनोवेटिव कार जो है वो लॉन्च की है, टाटा अवेन्या. और उसके मुताबिक 310 माइल्स इट कैन गो विद अ चार्जिंग ऑफ 30 मिनट्स. क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, कैसी इनोवेशन है? इनोवेशन अच्छी है और इंडिया वैसे भी कार इंडस्ट्री में अगर इंडिया की बात करें तो हमसे बहुत आगे हैं. और आप स्पेशली बात करें, अब सुजुकी की मैं बात करूं तो सुजुकी का अगर हम कल्टस गाड़ी ले लें तो कल्टस गाड़ी की यहां पर जो AGS वर्जन है उसकी मेरे ख्याल से इस टाइम 22-23 लाख के करीब जो प्राइस है ऑन उससे डिफरेंट है. और अगर यही हम इंडिया में बात करें तो यही कल्टस आपको 10-12 लाख में मिलती है पाकिस्तानी प्राइस में. उनके प्राइस जो हैं वो 5-6 लाख बनते हैं. तो मेरे ख्याल से हम तो पहले ही आगे डबल जा रहे हैं. और अगर उन्होंने अच्छा ये इनोवेशन किया है तो अच्छी बात है. और मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान में इस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल आते भी हैं तो उनकी प्राइस जो है वो बहुत डबल होंगी और आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर होगी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर आपका गुड नेम? हमजा. हमजा क्या करते हैं? आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट है हमजा. आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं कि टाटा ने एक नई गाड़ी जो है उसको लॉन्च किया है और उस गाड़ी की स्पेशलिटी ये है कि 310 माइल्स ट्रैवल कर सकती है विद 30 मिनट्स ऑफ चार्ज. क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बेसिकली मेरा कंसर्न ये है इलेक्ट्रिकल कार से कि पाकिस्तान में ना ओवरऑल ट्रैफिक बहुत है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्योरिटी पर अगर हम ओवरऑल सिटीज़ के अंदर देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है ना वो डिफरेंट कंपनी से लॉन्च नहीं किया, जिस वजह से ना इलेक्ट्रिकल चार्ज को थोड़ा सा इश्यूज़ आते हैं. ओवरऑल देखा जाए तो इज़ ए गुड पॉइंट ऑफ व्यू के पेट्रोल एवरेज जिस तरह से मार्केट फ्लक्चुएशन कर रही है ऊपर और मार्केट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस इस टाइम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी फ्लक्चुएशंस कर रही है, जिस वजह से ना इलेक्ट्रिकल कार्स को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है पेट्रोल की निस्बत. सो इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ओवरऑल पाकिस्तान एंड पीपल्स के इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इज़ ए गुड बेस्ट है. ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक कार्स का इतना ट्रेंड नहीं है, तो किस तरह से ट्रेंड सेट किया जा सकता है? इज़ इलेक्ट्रिक कार गुड फॉर द पीपल? और इस तरह से ट्रेंड सेट किया जा सकता है कि हर सिटी हर शहर और जिस तरह फॉर एग्जांपल DHA है और अगर आप मोटरवे के ऊपर ट्रैवल कर रहे हो तो मोटरवेज पे अगर आप ट्रैवल करते हैं तो दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस लाइक 400 किलोमीटर्स पर आवर्स या 400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपको एवरी 100 किलोमीटर्स के रेशियो पे आपको जो है ना वो ट्रेंड सेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल्स चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से. हाँ. कि आप अगर चार्ज करते हैं फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी, बिकॉज सिटीज़ के अंदर देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इतनी ज़्यादा चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से है. बाकी ओवरऑल इज़ ए गुड बेनिफिट है पाकिस्तान पीपल्स के लिए पेट्रोल की निस्बत. दैट्स इट. अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर कि किस तरह से इनोवेशन लाई जा सकती है हमारे व्हीकल्स के अंदर? डेफिनेटली पोल्यूशन जो है वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो किस तरह से ऑब्वियसली अगर हम अपनी कार्स को रिप्लेस कर देंगे विद इलेक्ट्रिक कार्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इस चीज़ पे किस तरह से कंट्रोल हो सकता है आपको लगता है? मेरा ख्याल है कि जो इलेक्ट्रिकल कार्स है ना एक तो उसकी स्मेल और उसका जो पोल्यूशन रेशियो है ना वो कम है पेट्रोल एवरेज की निस्बत, और इसको हम कम इसी तरह किया जा सकता है कि हम एवरी डिस्टेंस के ऊपर जो है ना इलेक्ट्रिकल का जो एक फैसिलिटीज़ है इंस्टॉलेड किया जा सकता है. हम दैट इज़ अ गुड पॉइंट. इनकी पेशरफ बहुत अच्छी है और हमें सबको पता है कि इंडिया हमारी एक नेबर कंट्री है, बट दे आर वर्किंग वेरी हार्ड. उनके जितने भी इन्वेंशंस हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं, और 30 मिनट्स की चार्ज के साथ इफ़ दैट कार कैन गो अप टू 310 माइल्स, सो इट उसकी में कोई ना कोई तो बात है. और इलेक्ट्रिक कार्स होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि पेट्रोलियम गैसेस की अगर हम देखें तो इनकी प्राइसेस बहुत महंगी, आने वाले वक्त में तो शायद वी आर नॉट गोना इवन अफोर्ड देम. तो उस लिहाज से भी इंडिया इज़ गोइंग वेल और उनकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं हैट्स ऑफ टू देम. अच्छा फातिमा, एक और क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक कार्स का ट्रेंड सेट करना कितना ज़रूरी है? ऑब्वियसली हम खुद जानते हैं कि हमारी जो पूरी दुनिया है अ होल वर्ल्ड इज़ सफरिंग विद पोल्यूशन, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इट्स अ वेरी गुड आइडिया.
इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए हमारे लिए इस चीज़ को करना ज़रूरी है। और सेकेंडली, जब डीजल बर्न होता है, पेट्रोल बर्न होता है, जितने केमिकल्स हैं वो सारे एयर में रिलीज होते हैं एंड वी आर इनहेलिंग दैट, सो वी आर नॉट सपोज टू। तो इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इन्वेंशन बहुत अच्छा आइडिया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे अगर पाकिस्तान में हम लोग इलेक्ट्रिक कार्स का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है इंस्टॉल करना चाहें, लोगों को जो है माइंडसेट उनका करना चाहें उस तरफ, तो कितना टाइम लगने वाला है लोगों को इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर अगर कोई भी नई इनोवेटिव गाड़ी आती है तो उसकी जो प्राइस है बहुत हाई कर दी टैक्सेस लगा के, ऑब्वियसली कस्टम क्लियरेंस बहुत ज़्यादा हाई कर दी जाती है। इन लोगों को चाहिए कि अगर उसकी अवेयरनेस आपने करनी है, आप जल्द से जल्द करें ताकि लोग अवेयर हों। हमारी कौम के साथ एक मसला ये है कि उनको किसी भी चीज़ को एक्सेप्टेंस में लाने में काफ़ी टाइम लगता। अगर अब भी वो एक्सेप्ट करेंगे तो अगले एक दो सालों तक हम कुछ देख सकते हैं कि हाँ, पोल्यूशन रेट कम हो सकता है, AQI क्वालिटी, एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा कम हो सकता है, और वी आर गोइंग टू स्टैंड समवेयर। इलेक्ट्रिक कार काफ़ी बेहतर है आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक जो है ना, जो दूसरी गाड़ियाँ चल रही हैं पेट्रोल पे, उनके लिए भी इन्हें चाहिए कि उसके लिए सोचें कि इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट करें, क्योंकि इससे एक तो पेट्रोल भी सेफ़ होगा, इलेक्ट्रिक की वजह से आपको जो है आपकी गाड़ी काफ़ी हद तक माइलेज आपको लंबा मतलब लॉन्ग टर्म में देगी, और दूसरी चीज़ें ये है कि ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से बड़ी अच्छी चीज़ है। इन फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर अगर ये चीज़ यूटिलाइज़ की जाती है, अब इंडिया के अंदर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर वो यही इलेक्ट्रिक पे ही ज़्यादातर शिफ्ट कर रहे हैं। आप ऑलमोस्ट ये कह लो कि अगर गाड़ी आपकी 100 स्पीड पे चलती है या 60 राउंड अबाउट 0 to 60 स्पीड पे चलती है, वो बैटरी के ऊपर चलती है बाहरी कंट्रीज़ के अंदर, और उसके बाद अगर आप उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं तो वो राउंड अबाउट फिर 100 के ऊपर मतलब जाके पेट्रोल के ऊपर कन्वर्ट होती है। तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आपका पेट्रोल भी सेव हो रहा है, आपकी गाड़ी की बेहतर हो रही है परफॉर्मेंस भी, और आपका एनवायरनमेंट भी उससे बेहतर है, आपको पोल्यूशन नहीं मिल रही, तो पोल्यूशन की वजह से काफ़ी हद तक लिहाज से ना वो ज़्यादा बेहतर है। पेट्रोल तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहा है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि इंडिया ने एक नई गाड़ी बनाई है और उस गाड़ी टाटा की तरफ से वो गाड़ी जो है लॉन्च की गई है और 310 माइल्स वो चल सकती है विद अ चार्जिंग ऑफ 30 मिनट्स, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कैसी इनोवेशन? ये अच्छी इनकी एक इनोवेशन है, वो हमेशा कुछ नए से नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, दूसरी कंट्री से हमेशा टेक्नोलॉजी लेके खुद वो एक्सपेरिमेंट करके उस चीज़ को बेहतर करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को चाहिए कि एक सहूलतें प्रोवाइड करें। पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है इस तरह का कि वो अपने ही बिहाफ पे बनिस्बत इसके कि किसी और को प्रमोट करें, वो अपनी चीज़ों को खुद लॉन्च कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर कि आपको क्या लगता है जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको कितना जो है प्रिविलेज मिलना चाहिए और किस तरह से जो है लोगों के अंदर ये ट्रेंड सेट हो सकता है? ट्रेंड सेट हो सकता है बिल्कुल, इसको इनको चाहिए कि इसको प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा टीवी पे दिखाएं कि पोल्यूशन के लिहाज से कितना बेहतर है आपके लिए, सेफ्टी के लिहाज से, मतलब आपको ये कह लो कि जिस बंदे का बजट मतलब सैलरी पैकेज जिस हिसाब से उसको मिल रहा है, वो गाड़ी को मतलब वो पेट्रोल डलवाता रहेगा सारी ज़िंदगी या सोलर पैनल के ऊपर जाएगा, तो गाड़ी उस लिहाज से काफ़ी बेहतर रहेगा अगर वो सोलर के ऊपर शिफ्ट करते हैं। ये टेक्नोलॉजी अच्छी है। आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक कार्स का जो ट्रेंड सेट होना कितना ज़रूरी है हमारी एनवायरनमेंट के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर रिसेंटली देखें कि जब लॉकडाउन लगा था तो गाड़ियां बाहर नहीं निकलती थी, तो हमारी जो पोल्यूशन है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई थी, और अगर ओवरऑल की बात की जाए, जब भी अगर अब की सूरत हाल की बात की जाए, तो जब पिछले दिनों स्मॉग आया था तो हम पाकिस्तान जो है स्पेशली लाहौर जो है वो वर्ल्ड में पहले नंबर पर होता था, कभी पहले कभी दूसरे कभी तीसरे पे। तो स्मॉग जो है इसको हमें इतना नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, ये काफ़ी सीरियस मैटर है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको कंट्रोल करें। और मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बेस्ट रिप्लेसमेंट है, क्योंकि ज़्यादातर आप देखें या फैक्ट्रियाँ हैं या फिर व्हीकल्स हैं जहाँ से सारा धुआँ जो आता है और जो स्मॉग बनता है और उससे काफ़ी बीमारियां जो हैं वो डिजीज़ जन्म लेती हैं। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है एक बड़ा बेस्ट है, लेकिन उसके साथ ही आपको बिजली भी कंट्रोल करना पड़ेगी, क्योंकि बिजली होगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्ज होंगे, और जो अभी पोजीशन है तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और अगर बिजली कंट्रोल हो जाती है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़रूरी हैं। ये बहुत ही अच्छी इनोवेशन है, मैंने कुछ दिन पहले ही अभी मैंने एक मीडिया पे देखा था, तो इसमें ये है कि अगर तो ये इनोवेशन हो जाती है तो इसमें हमारी पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगी, और जो जैसे लंबा ट्रैवल करते हैं रोड्स के ऊपर, तो इनको चाहिए कि हर 100 मील के ऊपर कोई चार्जिंग पॉइंट बना दें, जिसकी वजह से ये हो कि जो चार्जिंग कार है जो इन्होंने बनाई है टाटा ने वो चार्ज हो सके, और इसमें फ्यूल की जो टाइम की बचत होगी, और इसमें ये है कि जो हमारी जो पोल्यूशन हो रही है दिन ब दिन आसमान के ऊपर वो कम होगी, इंसानी सेहत जो इससे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है वो भी कम होगी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक कार्स को रिप्लेस होना क्या ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल्स तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ पर हर बंदे के पास अपनी पर्सनल गाड़ी है, तो आपको क्या लगता है कि अगर इलेक्ट्रिक कार्स का ट्रेंड सेट होगा तो कितना फ़ायदा होगा?
ये मैं कहूँगा कि इसमें हमारे पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें इलेक्ट्रिक, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ आ रही है इसमें वो उसमें हमारे लिए कोई ना कोई फ़ायदा है। जैसे मोबाइल है, हर एक इसकी इजीली अप्रोच है, हर कोई यूज़ करता है, ऐसे ही अगर ये इलेक्ट्रिक कार आ जाएंगी तो इसमें ये होगा कि जो हमारा फ्यूल बचेगा, इसमें हमारी सेहत के भी बहुत असर पड़ेगा, टाइम हमारा बचत होगी इसमें, बस यही। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जमशेद के हमारे यहाँ पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स का ट्रेंड क्यों नहीं सेट होता, हम लोग यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक कार्स को क्यों नहीं प्रेफर कर पाते? क्योंकि इसमें समझ लें कि हमारी गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा हाथ है, वो इसलिए है कि हर किसी का मतलब होता है कि जो हमारे ब्रांड्स पहले से चल रहे हैं, जो फ्यूल पे चल रहे हैं, उनको कन्वर्ट करना बहुत सी मुश्किल है, क्योंकि जो इतनी कंपनियां, जो इतने ब्रांड ऑलरेडी पाकिस्तान में चल रहे हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा लॉस होगा अगर वो इस चीज़ को लाएँगे। टाइम बाई टाइम हो सकता है, माइट भी और पॉसिबल भी है और नहीं भी है।